the government relieve all prisoners, relieve the curfew. लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि संसद चलती रहे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता रहे, सवाल पूछे जाते रहे और जवाब आते रहे। लेकिन पिछले 9 सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गए। अब लोगों के सवाल हैं जिम्मेदारों से कि क्यों जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, क्यों बेरोजगारी, इकॉनमी, महंगाई पर बात नहीं हो रही। दरअसल ये वो सवाल है जिनका जिक्र लोगों ने हमारे खास शो संसद में आज के कॉमेंट बॉक्स में लिखा है, लगातार पूछा है। मॉनसून सत्र का 10वां दिन था आज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच हुई बहस की गर्माहट संसद में आज भी देखने को मिलती रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के कमेंट से शुरू हुआ विवाद लगातार बयानों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में आज क्या हुआ वो बताते हैं। बहस का साइड इफेक्ट क्या दिखा, वेल में उतरकर क्या नारे लगाए गए, अपने खास शो संसद में आज के साथ पूरी तस्वीर को आगे बढ़ाते हैं। पहले लोकसभा की बात। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुई। पीठासीन डॉक्टर किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी ने हंगामा कर रहे सदस्यों को वेल से वापस जाने को कहा, लेकिन पिछले 9 दिनों की तर्ज पर हंगामा नहीं थमा और कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया। संसद परिसर में कांग्रेस के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि सरकार सोनिया गांधी से माफी मांगे। सदन के अंदर बीजेपी पार्टी की सारे बीजेपी पार्टी मैडम सोनिया गांधी जी को छोटा करने के लिए, अपमान करने में लिए एकजुट हो चुके हैं और आगे आगे 2-4 नेताओं को, एक मंत्री को सामने रख दिए हैं। ये बीजेपी पार्टी के मकसद ये है कि मैडम सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर भेजने से कोई काम नहीं बने। अभी सदन के अंदर उनको मैडम सोनिया गांधी की अगर अपमान किया जाए तो भी बेहतर होगी। तो इसलिए सदन के अंदर ये बीजेपी पार्टी सारे इनको एमपी एमएलएस को, मंत्री को तैनात किए हैं सिर्फ मैडम की अपमान करने के लिए। नहीं तो ये मुद्दा तो मेरे साथ बीजेपी पार्टी के, लेकिन बीजेपी पार्टी ये मुद्दा मैडम के साथ बना रहे हैं। इसमें इन लोगों का नापाक इरादे साफ होते हैं। और कल अगर सीटी ईरानी जी जो इनकी मंत्री है, गोवा की गुस्सा उतारने के लिए जो सदन में आई है, अगर उनकी जो स्टेटमेंट सदन के अंदर रखी थी उसको अगर ठीक से देखा जाए, वो द्रौपदी मुर्मू क्यों करती है। हम लोग नाम नहीं लेना चाहिए, किसी प्रेसिडेंट को नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको नाम नहीं लेनी चाहिए। लेकिन कल उनकी स्टेटमेंट पढ़ा करो, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी कहने से काफी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। इसके बाद भी बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कह रही है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वे ये सब लगातार कर रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि दामों में बढ़ोतरी और महंगाई पर चर्चा हो, बात हो सदन में। अधीर रंजन चौधरी के बयान और स्मृति ईरानी के भाषण पर संजय सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अधीर रंजन जी ने स्वयं कहा है कि उनसे गलती हुई और वो माफी मांगेंगे, और जहां तक मैंने कल सुना, हमारी देश की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी वो देश के लोकसभा सदन में राष्ट्रपति का नाम ले रही हैं। क्या ये अधिकार किसी कैबिनेट मंत्री को है कि वो नाम लेके राष्ट्रपति को संबोधित करे? जिन जिन नेताओं ने नाम लिया है राष्ट्रपति का और लोकसभा के सदन में लिया है, उन सबको इस देश के लोगों से और महामहिम राष्ट्रपति जी से माफी मांगनी चाहिए। दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई। सभा के पटल पर पेपर्स रखने को कहा गया। इस बीच माफी मांगों के साथ नारे लगने लगे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। विपक्ष भी इस पर विरोध जताता रहा। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से कहा, अपील को अनसुना कर दिया गया। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। अब हंगामे के बीच कार्यवाही को 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब राज्यसभा की बारी है। पेपर्स को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इस बीच गुजरात में कथित रूप से जहरीली शराब से हुई मौतों का जिक्र किया गया। पीठासीन उपसभापति ने साफ कहा कि पेपर रखे जा रहे हैं, पेपर रखे जाने के बीच ये पद्धति नहीं है।
कुछ देर की कार्रवाई के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इसके बाद कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई तो दोनों ओर से हंगामा हुआ। कांग्रेस के सदस्य वेल में उतरकर सोनिया गांधी के समर्थन में नारे लगाने लगे। हंगामा बढ़ा। पीठासीन डॉक्टर सस्मित पात्रा ने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी हैं, लेकिन हंगामा नहीं थमा। जिसके बाद कार्रवाई को 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यानी कि वीकेंड आ चुका है, शायद थोड़ी जल्दी रही होगी। कार्रवाई निपट गई है, स्थगित हो गई है। क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, वो आपने सुना संसद में। आज में हम आगे भी ऐसे जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका आज की कार्रवाई पर क्या सोचना है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।